नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों आज का मैच भी अच्छा गया और अभी जो जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच में जो मैच चल रहा है वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए अभी जैसे जैसे जो जो मैंने बोला वो सब कुछ वैसे ही चल रहा है। मैच मैंने बोला था श्रीलंका के बारे में भी मैंने बोला था, मैंने समर विक्रमा के बारे में भी बोला था, मैंने आप लोगों को दर्शन शनाका के बारे में भी बोला था। सबके बारे में मैंने जब लाइव आया था तो मैं सारी चीज़ें पर डिस्कस किया था। मैंने आपको बोला था कि जिम्बाब्वे की भले ही बैटिंग जो है ना वो कमज़ोर हो लेकिन उनके बॉलिंग अटैक बढ़िया है और इनके विकेट्स गिरेंगे, 7 से 9 विकेट्स गिरेंगे जैसा कि गिरा। अब सेकेंड इनिंग में ऑल आउट होने के चांसेस फुल हैं और अगर जिनको हमने VC बनाया है, जैसे कि हमने बंदरशे को भी सी बनाया है, मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताया भी है और मैंने आपको टेलीग्राम पर टीम भी भेजा है, तो आज अच्छी खासी लोग विनिंग करेंगे जहां तक मुझे लग रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग ब्रिस्बेन हीट वर्सेज हॉबर्ट हरिकन्स के बारे में। जो आज का मैच है, जो ये मैच होने वाला है, ये कैसा मैच होगा इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। ये ब्रिस्बेन गाबा के अंदर उसके ग्राउंड पर ये मैच होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये भी। थोड़ा रिस्की है बट फिर भी मैच बहुत बढ़िया जाने वाला है। और इस मैच के अंदर हमारे पास ट्रंप प्लेयर कौन से होंगे इस बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम इस बारे में अभी जिस तरीके से ग्राउंड पर रिपोर्ट चलता है, ग्राउंड का स्टैट्स चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे। पिच का रिपोर्ट खुद से तैयार करेंगे कि पिच की रिपोर्ट किस तरीके से चलने वाला है। ओवरऑल हर कुछ मिला जुला के हमारी टीम किस तरीके से परफेक्ट बनेगी इसके बारे में आज हम बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो लोग नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों को जो लोग लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि अब यहां से मैं आप लोगों को प्रॉफिट दिलवाना शुरू करूंगा। अभी बहुत सारे लोगों के मैसेज और कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रॉफिट में चलने शुरू कर दिए हैं, अच्छे खासे लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब हम स्टैट्स के साथ चलेंगे ना, अभी थोड़ी सी हमारी मेरी भी गलती है थोड़ी सी कि मैं कुछ प्लेयर्स को छोड़ रहा हूं तो कंटिन्यू छोड़ रहा हूं, मुझे थोड़ा सा उस पर फोकस करना है। मेरे सारे ट्रंप प्लेयर चलते हैं, जितने ट्रंप प्लेयर मैं बताता हूं 95% मेरे बताए हुए ट्रंप प्लेयर चलते हैं। थोड़ा सा मुझे टीम को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और इन सारी चीजों के लिए मैं पूरी तरीके से आप लोगों के लिए मैं समर्पित हूं, बिल्कुल 100% मेरा 100% मैं आपको देने वाला हूं। चाहे वो बीबीएल हो गया, कुछ मैच बचे हुए, पीएसएल आने वाला है, इसके बाद आईपीएल लड़कियों का आने वाला है, इसके बाद मेंस का आईपीएल आने वाला है। और मैं दावे के साथ कहता हूं आप लोग इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे और ग्रैंड लीग भी हम लोग यहां से जीतेंगे 100%। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं आज के मैच का क्या रिकॉर्ड निकल कर बाहर आता। तो दोस्तों ब्रिस्बेन हीट वर्सेज हॉबर्ट हरिकन्स 29वां मैच है ये बिग बैश लीग 2023-24 का। ये है द गाबा ब्रिस्बेन के अंदर, संडे 7 जनवरी 2024, समय 2:45 पर यह मैच शुरू होने जा रहा है। आइए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा प्लेइंग इलेवन में मुझे नहीं लगता ये लोग कोई चेंजेस करेंगे, जितने चेंजेस होने थे हो गए हैं, अब ज्यादा चेंजेस ये लोग करेंगे नहीं। तो यहां से जोश ब्राउन और कॉलिन मुंडो ओपनिंग करने आएंगे ब्रिस्बेन हिट की तरफ से। मैक्सवेनी है, मैट्रेंसो है, बिलिंग्स है, पी वॉल्टर है, नेसर है, बार्टलेट, स्पेंसर जॉनसन, सिप्शन एंड कुनमैन, ये जो है ब्रिस्बेन हिट की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग इलेवन जो है इस मैच में देखने को मिलेंगे। इस बार क्या हो रहा है, जो प्लेयर पिछले बीबीएल में अच्छे खासे फॉर्म में थे वो इस बार उनको ना तो विकेट्स मिल रहे हैं ना वो बैटिंग में अच्छे खासे पॉइंट्स लेके जा रहे हैं। तो होता है सीरीज में, जो पिछले सीरीज में चलता है वो इस सीरीज में नहीं चलता, जो इस सीरीज में चलेगा वो अगले सीरीज में नहीं चलेगा, तो ये कॉम्बिनेशन चलते रहता है, इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हॉबर्ट हरिकन्स की तरफ से बात करें, सी ज्वेल, बेन मैकडॉर्मेट, एम राइट है, सैम हैन है, एंडरसन है, टिम डेविड है, एन चौधरी, क्रिस जॉर्डन, पैट्रिक डोले, नाथन एलिस एंड रेले मेरेडिथ, ये होंगे पॉसिबल प्लेइंग 11। 99% कोई चेंजेस नहीं होगा, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा मैथ्यू वेड आए लेकिन किसके जगह पे आएंगे वो भी देखना पड़ेगा। तो ये फिलहाल हॉबर्ट हरिकन्स की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं द गाबा ब्रिस्बेन क्या कहता है, ब्रिस्बेन का रिकॉर्ड्स क्या कहता है। ब्रिस्बेन का रिकॉर्ड्स अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, देखिए दोस्तों जो मेन पॉइंट होता है ना वहां पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये फोकस करते हैं कि यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न क्या कह रहा है। स्कोरिंग पैटर्न की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट कंटिन्यू फर्स्ट बैट करते आ रहा है अभी तक, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर 166/9, 224/5, 155/6, 162/6, 188/4, 214/3 और 172/10। फिलहाल ये जो 2-3 मैचेज आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर हम ध्यान से देखें तो अभी तक पूरे इस बैटिंग फर्स्ट में
2023 और 24 मिलाकर सिर्फ एक बार ऑल आउट टीम हुई है, सिर्फ एक बार, ध्यान दीजिएगा। बाकी के टाइम पे 3 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट, 6 विकेट, एक बार 9 विकेट गिरा और एक बार 10 विकेट गिरा है। यानी कि फर्स्ट इनिंग में विकेट थोड़ा सा कम गिरेगा, 4 से 6 से 7 विकेट गिर सकता है फर्स्ट इनिंग के अंदर। ओवरऑल फास्ट बॉलर्स को यहां पर ज्यादा मदद मिल रहा है, फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद मिल रहा है। आप देख रहे हैं स्पिनर्स को 0-0-0 का आंकड़ा देख रहे हैं, 4 बार है, बाकी 1 और 2 विकेट है। तो फर्स्ट इनिंग में शायद स्पिनर्स को 1-2 विकेट मिल जाए, नहीं तो फास्ट बॉलर्स ज्यादा विकेट लेके जाएंगे जितने भी विकेट गिरेंगे। रन की बात करें तो आपको रन यहां पर 145 से लेके 185 के बीच में देखने को मिल सकता है फर्स्ट इनिंग के अंदर, क्योंकि अगर ब्रिस्बेन हिट बैट फर्स्ट करती है तो कोलिन मुनरो एज यूजुअल इस मैच में बड़ा धमाका कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेकेंड इनिंग की। सेकेंड इनिंग में रन चेज नहीं हो पा रहा है इस ग्राउंड पे। देखिए 166 रन 9 विकेट पर, 160 रन एडिलेड स्ट्राइकर बना पाई 9 विकेट पर। फिर यहां पर 224 रन के जवाब में 209 रन पर सिडनी सिक्सर ढेर हो गई। यहां पर 155 रन बना ब्रिस्बेन हिट ने बनाया, तो पॉर्थ स्कॉचर ने 157 रन बनाकर रन चेज कर लिया था 2 विकेट पर। बाकी के मैच देखिए 160 पर, 150 पर 6 विकेट, रन चेज नहीं हुआ। यहां पर रन चेज नहीं हुआ, यहां पर भी रन चेज नहीं हुआ, यहां पर भी रन चेज नहीं हुआ है। बात करें अगर विकेट्स की तो 10 विकेट जो है ना, देखिए दोस्तों 2 बार गिर गया, 2 बार 10 विकेट, 2 बार 9 विकेट, यानी कि 9-9 विकेट और 10-10 विकेट का आंकड़ा जो है वो 4 बार हुआ है। ठीक है, बाकी के जो 3 मैचेज हैं उसमें थोड़ा सा लो मतलब विकेट्स गिरे हैं, विकेट्स कम गिरे हैं, लेकिन ओवरऑल सेकेंड इनिंग में विकेट ज्यादा गिर सकते हैं। बात करें अगर बॉलर्स की तो फर्स्ट इनिंग में फास्टर्स और स्पिनर्स दोनों को मदद मिलता है, लेकिन फास्टर्स को ज्यादा मिलेगा, स्पिनर्स को 2 से 3 विकेट स्पिनर को मिल सकता है फर्स्ट इनिंग में 1 से 2, और सेकेंड इनिंग में 2 से 3 या 4 मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ओवरऑल फास्ट बॉलर्स को ज्यादा विकेट मिलेगा इस ग्राउंड पे, स्पिनर्स को 50% मिलेगा। 100% अगर मान लेते हैं कि अगर 8 विकेट मिलता है स्पिनर फास्ट बॉलर को, तो 3 से 4 विकेट जो है स्पिनर्स को इस ग्राउंड पे मिलेगा। सेकेंड इनिंग में रन चेज नहीं हो पाएगा, फर्स्ट इनिंग में 145 से 185 90 के आसपास या 80 के आसपास स्कोर यहां पर बन सकता है। ये है हमारा पिच का रिपोर्ट। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा द गाबा ब्रिस्बेन, यहां पर बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा बैटिंग ऑर्डर की अगर बात करें, 1 विकेट कंटिन्यू यहां पर देख रहे हैं, कंटिन्यू गिर रहा। ठीक है, यहां पर देखिए सिर्फ इस एक मैच को छोड़ दिया जाए यहां पर, जहां पे आपको दोनों ओपनर ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए थे, दोनों क्या 3 ओपनर अच्छे परफॉर्मेंस किए थे, तो नहीं तो ओवरऑल यहां पर हमें यही देखने को मिल रहा है कि कोई एक ओपनर यहां पर जल्दी आउट होकर जा रहा है, या तो दो, यहां पर देखिए दोनों ओपनर ही जल्दी जल्दी आउट होकर गए हैं, दोनों ओपनर 18-24 कुछ खास ज्यादा स्कोर नहीं होता T20 के अंदर, T20 के अंदर 25 से एवब यानी 30 तक अगर किसी ने बना दिया तो वो DT बन जाता है। तो ओवरऑल फर्स्ट इनिंग में जो है 1 विकेट जल्दी गिर सकता है, कोई एक ओपनर जल्दी जा सकता है। 3 नंबर की बात करें तो इम्पोर्टेंट हो सकता है 3 नंबर का खिलाड़ी। देखिए 84 रन, 28 रन, 33 रन, 73 रन, यानी 4 बार बड़ा बड़ा रन बना हुआ है जो 3 नंबर का प्लेयर है, बाकी थे 3 टाइम फ्लॉप हुआ है। तो ओवरऑल जो 3 नंबर पे आएगा हमें देखना होगा। देखिएगा ध्यान से बात को समझिएगा, अगर 3 नंबर का प्लेयर कंटिन्यू 3 से 4 मैचेस में कंटिन्यू DT बनते आ रहा है तो आप उसको फ्लॉप कीजिएगा, रिस्क लीजिएगा। देखिए मैं रिस्क टेकर हूं, मैं रिस्क लेता हूं। ठीक है, मैंने आज जितने भी टीम बनाया ना, सारे टीम के अंदर सान अबाउट को कैप्टन बनाया था, सारे टीम में। मुझे पता है नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, मैंने 2-3 टीम के अंदर टीम अर्फी और आपके स्टीव कैफे को कैप्टन बनाया था रोटेट के लिए, बाकी के टाइम पे कंटिन्यू मैंने कैप्टन बनाया किसको, सान अबाउट को। फ्लॉप हुआ, अच्छी बात है मेरे लिए कि फ्लॉप हुआ, क्योंकि अगले मैच में ना वो फिर से उसके सिलेक्शन परसेंट भी गिरेंगे प्लस उसकी कैप्टेंसी भी गिरेगी और उस मैच के अंदर फिर से मैं उसे कैप्टन बनाऊंगा पूरे के पूरे टीम में। उसके बाद उस टीम के अंदर मैं 20 टीम बनाऊंगा, उस मैच में 20 के 20 टीम में वो मेरे कैप्टन होगा। इसके बाद अगर उस मैच में भी फ्लॉप हो जाता है ना तो नेक्स्ट मैच में फिर से मैं उसे कैप्टन बनाऊंगा और फिर से 20 के 20 टीम के अंदर कैप्टन बनाऊंगा। दोस्तों मुझे पता है कि सान अबाउट के अंदर इतनी क्षमता है कि आज नहीं तो कल वो 3 से 4 विकेट लेकर जाएगा ही जाएगा, और जिस दिन 3 से 4 विकेट लेके जाएगा वो दिन मेरा होगा। भले ही मैं 1 नंबर पे ना हूं, शायद मेरी किस्मत ना साथ दे, लेकिन फिर भी ओवरऑल मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट में होने वाला हूं। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक सीन है जो हमें करना पड़ेगा, ये एक पैटर्न बनता है, कोई ना कोई प्लेयर एक दिन कैप्टन बनता है और उसी को आपको पकड़ के चलना पड़ेगा अगर आप ग्रैंडलीग में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो समझ गए,
तो यहां पर देखिए तीन नंबर के प्लेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चार नंबर के प्लेयर की बात करें तो स्टार्टिंग में यहां पर चार नंबर के प्लेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, हालांकि ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ दो बार अच्छा परफॉर्मेंस आया है, एक बार 79 रन का और एक बार 41 रन का, बाकी के टाइम पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया है। पांच नंबर का प्लेयर जो है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट इनिंग के अंदर दोनों ओपनर में से कोई एक ओपनर, तीन और चार में से कोई एक, याद रखिएगा तीन और चार में से कोई एक। मैं क्यों बोलता हूं समझिएगा बात को, देखिए यहां पर तीन नंबर का प्लेयर फ्लॉप हुआ तो चार नंबर के प्लेयर ने 79 रन बनाए, ठीक। यहां पर तीन नंबर का प्लेयर 84 रन बनाया तो यहां पर चार नंबर का प्लेयर 28 रन। यहां पर तीन और चार दोनों लगभग फ्लॉप हुए, चार नंबर का प्लेयर 27 रन बनाया, यहां पर फिर 28 और 41 है, फिर यहां पर दोनों प्लेयर फ्लॉप, फिर यहां पर देखिए तीन नंबर का प्लेयर 33 बनाया, चार नंबर का 18, फिर यहां पर तीन नंबर का प्लेयर 73 बनाया, चार नंबर का प्लेयर 17। यानी कि दोनों एक साथ बहुत कम टाइम पे चल रहे हैं, दोनों में से कोई एक चलेगा, या तो तीन नंबर या चार नंबर, इसलिए रोटेट जरूरी है। पांच नंबर और छह नंबर के प्लेयर को रोटेट कर लीजिएगा, पांच नंबर को रखने की कोशिश कीजिएगा, छह नंबर को रोटेट कर लीजिएगा। ये सीक्वेंस यहां पे आपको फर्स्ट इनिंग में निकालना है। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग की अगर बात करें तो देखिए क्या हो रहा है, मतलब लाजवाब, सिर्फ एक, फिर यहां पर दो और फिर यहां पर तीन, यानी कि सात मैच में सिर्फ तीन बार ऐसा हुआ है कि दोनों के दोनों ऑलराउंड, मतलब कि ओपनर जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए हैं, बहुत बढ़िया नहीं, ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन वाले नहीं, ठीक ठाक, लेकिन बाकी के टाइम पे ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप हुई है। देखिए आप देख रहे हैं तीन बार और ये चार बार ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप हुई है, बाकी के टाइम पर ये तीन बार सिर्फ ऐसा हुआ है जब ओपनिंग जोड़ी यहां पर चली है, तो आपको उस तरीके से प्लेयर्स को रोटेट कर लीजिएगा। तीन नंबर और चार नंबर के प्लेयर दोनों में से किसी एक को रखिएगा, एक टीम के अंदर दोनों प्लेयर को रखिएगा, तीन और चार को, और एक टीम के अंदर दोनों में से किसी एक को, और फिर पांच नंबर के प्लेयर को आप अपने टीम में शामिल कीजिएगा। ये सेकेंड इनिंग का रिकॉर्ड कहता है, तो यहां से सारी चीजें हो जाएंगी। हालांकि मैं अभी जब स्क्रीन आ जाएगा ना, फ्लैट स्क्रीन जब डिस्प्ले आ जाएगा बड़ा वाला, तो फिर उसके अकॉर्डिंग में ना आपको टीम भी बहुत अच्छे से तरीके से समझाऊंगा, और एक दो टीम नहीं करीबन 20 टीम। इसके लिए आज मैं लाइव भी आया था, लाइव आकर हम लोग डिस्कस किए थे, तो बातचीत जब हो रही थी तो मैंने बोला था कि अगर आप लोग चाहें तो खुद से, क्योंकि अभी कुछ चीजें हैं जो कि खरीदने के लिए अच्छे खासे पैसे हैं उसके, मतलब अगर थोड़ा सा पैसे पे होता तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा अमाउंट उसमें भी इन्वेस्टमेंट है, तो हालांकि वो मुझे लेना आप ही लोगों के लिए है, खुद के लिए नहीं। तो अगर आप लोग भी, अगर फिर से आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग भी अगर उसमें कोई मेरे को अगर वो स्क्रीन डिस्प्ले खरीदने में हेल्प करना चाहते हैं खुद से, आपकी जो मर्जी हो, जो इच्छा हो, कुछ भाइयों ने अच्छे खासे पैसे भेजे हैं तो मैंने उन लोगों का नाम के साथ सारा कुछ लिख रखा है, जो कि मैं टेलीग्राम पर बाद में आप लोगों को शेयर करूंगा। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं हेल्प तो कर सकते हैं, क्योंकि वो जितनी जल्दी आएगा आप सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा, बड़े स्क्रीन पे आएगा और आप लोगों को प्रॉपर तरीके से चीजें भी समझ में भी आएंगी, बहुत सारे लोगों का शिकायत भी दूर हो जाएगा कि जब मैं टीम बनाता हूं तो प्लेयर्स दिखाई नहीं देते, क्योंकि छोटे स्क्रीन पे दोस्तों थोड़ा सा वो इशू तो है, तो उसके लिए माफी चाहता हूं, जिसके लिए जिन लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट मैं इसको भी सॉल्व करने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, जल्दी से ये सॉल्व हो जाए। तो अगर कोई हेल्प करना हो तो आप लोग कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर पिन कम जो मैसेज है, पिन मैसेज में मैंने वहां पे अपना UPI ID सारा डिटेल दे रखा है, जो भी इच्छा हो आप कर सकते हैं। खैर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हेल्प की है, आप लोग करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी, मुझे लेना है और आप ही लोगों के लिए। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ब्रिस्बेन हिट के बैट्समैन जो है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं अभी तक। ब्रिस्बेन हिट के बैट्समैन की अगर बात करें तो जोश ब्राउन पिछले दो मैच में फ्लॉप चले जा रहे थे, लेकिन अभी जो दो मैचेज हुए उसके अंदर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई है, ठीक है। आप देख रहे हैं 39 रन और 34 रन का एवरेज आया है, दो मैच में अच्छे खासे चले हुए हैं। कोलिन मुंडो पिछले तीन मैच से फ्लॉप चले जा रहे हैं, तगड़ा खेलने वाला है बहुत जल्द ये, इस पर नजर रखिएगा कोलिन मुंडो पे। अब बात करते हैं मैक्सविनी पे, दो मैच में मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ एक मैच में ये खिलाड़ी फ्लॉप हुआ है, नहीं तो ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है। सैम बिलिंग्स का रिकॉर्ड ठीक ठाक है और ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है, तो सैम बिलिंग्स को थोड़ा सा आप लोग रोटेट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बेन मैकडॉर्मेट और वो दोनों को रोटेट करना पड़ेगा, मैकडॉर्मेट पे थोड़ा सा मुझे आज के मैच में भरोसा कम लग रहा है। ये मैट रेंशा की बात करें तो दो मैच से फ्लॉप चले जा रहे हैं, इस मैच के लिए ट्रंप प्लेयर साबित हो सकते हैं, दिमाग में जरूर रखिएगा। 49 रन अभी तक इस BBL के अंदर अभी तक इनका हाईएस्ट है, नहीं कि खिलाड़ी बहुत ही तगड़ा है।
कभी भी अच्छा नॉक खेल सकता है, तो नजर रखिएगा इस खिलाड़ी पर। और वैसे भी इस मैच के लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं मैट रेनशा। चलिए बात करते हैं ब्रिस्बेन हीट के बॉलर्स कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक्स बार्टलेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हर मैच में विकेट लेके जा रहे हैं, 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट कंटिन्यू विकेट मिल रहा है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। स्पेंसर जॉनसन की बात करें, अभी तक सिर्फ एक बार विकेट नहीं मिला है, बाकी के टाइम पे कंटिन्यू विकेट मिल रहा है, ये खिलाड़ी भी इंपॉर्टेंट है। एम स्विप्सन अगर सेकंड इनिंग में ब्रिस्बेन हिट जाती है तो जरूर रखिएगा, क्योंकि 2 से 3 विकेट मिलते हैं स्पिनर्स को, तो इसमें एक आध विकेट ये लेके जा सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट तो कन्फर्म लेके जाएंगे। कुमैन की बात करें, सिर्फ ये भी एक बार सिर्फ इनको विकेट नहीं मिला, बाकी के टाइम पे इनको भी विकेट मिल रहा है, पी वॉल्टर को भी विकेट मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे समझिएगा कि ब्रिस्बेन हिट के जो बॉलर्स है ना वो कंटिन्यू फॉर्म में है, इसलिए मुझे थोड़ा सा आज के मैच में लग रहा है कि होबार्ट हरिकन्स के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। ब्रिस्बेन हिट इनको इस मैच में डिफीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं, क्योंकि बॉलर्स जो है ना वो कंटिन्यू फॉर्म में है। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा होबार्ट हरिकन्स की तरफ से। जो मेरे भाई अभी तक क्राउन 11 डाउनलोड नहीं किए हैं, क्राउन 11 डाउनलोड कीजिए, लो इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा रिटर्न वहां पर मिलेगा। जितने की संभावनाएं ज्यादा है, आपकी टीम जो है अच्छी खासी रैंक पे जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वहां पे कॉम्पिटिशन कम है, लोगों को पता बहुत कम है इस ऐप के बारे में, तो वहां पे जाइए। जिस तरीके से मैं स्टैट्स आपको बताता हूं, वहां पर स्टैट्स के थ्रू अपनी टीम बनाइए, और मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छा करेंगे, अच्छा पैसा वहां पर अर्न करेंगे, आपको रिटर्निंग बहुत बढ़िया मिलने वाला है। इसके अलावा जब आप टीम बनाइएगा तो टीम बनाने के बाद आपको वहां पर लकी स्टार्स के थ्रू अच्छे खासे वहां पर बोनस मिलेंगे, और उस बोनस का इस्तेमाल आप फिर से दोबारा टीम बनाने में कर सकते हैं। पिन कमेंट में मैंने क्राउन 11 का लिंक दे रखा है, जाइए डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, खेलिए, कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर होबार्ट हरिकन्स के बैट्समैन की बात करें तो होबार्ट हरिकन्स के बैट्समैन में मैथ्यू वेट अभी 3 मैच से फ्लॉप चले जा रहे थे, अभी भी अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सी ज्वेल एक बार 42, एक बार 45 और 2 बार फ्लॉप भी हो गए, एक बार 31 का है, इस मैच में चलने की इनके चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बेन मैकडॉर्मेट का अभी तक हाईएस्ट स्कोर मात्र 53 रन है, बाकी के 2 टाइम में फ्लॉप भी हुए हैं, आप देख रहे हैं एक बार 25 रन भी है पिछले मैच में। इस मैच में मुझे लग रहा है सी ज्वेल या फिर बेन मैकडॉर्मेट दोनों में से कोई एक चलेगा। सी ज्वेल पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा क्योंकि बहुत फास्ट खेलता है, आते ही ये खिलाड़ी बहुत फास्ट खेलता है। सैम हैन 4 मैच से फ्लॉप चले जा रहे थे, 5वें मैच में अच्छा नॉक खेल के गए, इस मैच में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकते हैं। टीम डेविड बॉलिंग भी कराते हैं, याद रखिएगा जब भी ब्रिस्बेन हिट की बारी आती है तो इनको बॉलिंग दिया जाता है, और बैटिंग से अभी तक इनके कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया है, पिछले मैच में 1 विकेट मिल गया था, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है लेने के लिए, इसीलिए मैं बोला कि मैच रिस्की हो सकता है क्योंकि अभी कोई भी उठ के बॉलिंग करने आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एम राइट की बात करें, एम राइट कंटिन्यू 3 मैच से अच्छा खेल के जा रहे थे, 4थे मैच में ये यहाँ पे परफॉर्मेंस कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन ये खिलाड़ी बढ़िया है, परफॉर्मेंस दे सकता है। निखिल चौधरी की बात करें, 2 बार खेले, दोनों ही बार बहुत अच्छा पारी खेल के गया और विकेट्स भी कंटिन्यू निकाल रहा है, तो ये खिलाड़ी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, रोटेट कीजिएगा, फिक्स करने की जरूरत नहीं है। होबार्ट हरिकन्स की तरफ से अगर बॉलर्स की बात किया जाए कि बॉलर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आर मेरेडिथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ एक बार विकेट नहीं मिला, बाकी के टाइम पे कंटिन्यू विकेट मिल रहा है। नाथन एलिस को भी एक बार विकेट नहीं मिला, बाकी के टाइम पे एक एक विकेट मिल रहा है, लेकिन 1 विकेट से ड्रीम टीम में आना कन्फर्म नहीं होता है कि कोई 1 विकेट लेके गया तो ड्रीम टीम में आ ही जाएगा, तो थोड़ा सा इन दोनों में से कोई एक को, खासतौर से आर मेरेडिथ, नाथन एलिस अगर फर्स्ट बॉल करेंगे तो रखिएगा, सेकंड बॉल में थोड़ा सा इनको रोटेट कर लीजिएगा। क्रिस जॉर्डन हो सकता है इस मैच में हल्का सा ट्रम्प प्लेयर बने, तो रोटेट कीजिएगा, फिक्स मत कीजिएगा। उसके बाद निखिल चौधरी 2 मैच में बॉलिंग कराया, खिलाड़ी को दोनों ही मैच में विकेट मिले, तो इसीलिए थोड़ा सा ये मैच कन्फ्यूजन वाला है, चूंकि प्लेयर बहुत सारे हैं और कोई भी बॉलिंग करके जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन हो रही है। हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा था जोस ब्राउन का, 2 मैच खेले, दोनों मैच में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि और बाकी सारे प्लेयर चेंज हो गए हैं। उस्मान ख्वाजा का भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था होबार्ट हरिकन्स की तरफ से। मैट रेनशा 1 बार 41 रन था, 1 बार 2 रन का, बाकी के प्लेयर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है फिलहाल हेड टू हेड में, क्योंकि सारे प्लेयर चेंज हो गए हैं, इधर से उधर हो गए हैं। ब्रिस्बेन हीट बॉलर्स हेड टू हेड की बात करें, एम नेसर को कंटिन्यू विकेट मिला है, 4 विकेट और 3 विकेट लेके गए हैं हेड टू हेड में, तो और फिलहाल इनके सिलेक्शन परसेंट भी बहुत कम है, ट्रम्प प्लेयर इस मैच के लिए हो सकते हैं। एक्स बार्टलेट एक बार खेले थे, 4 विकेट लेके गए थे,
स्पेंसर जॉनसन को भी दो और एक विकेट मिला है, बाकी इन लोगों का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, एक एक विकेट का है मिचेल स्विप्सन और कोमैन। इसलिए मुझे लगता है इस मैच में स्पिनर्स को कम विकेट मिलेगा, मिलेगा तो शायद एक एक विकेट इन दोनों को मिल जाए, यही रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा होबार्ट हरिकन्स के बैट्समैन जो हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ से देखिए सिर्फ एक मैथ्यू वेट का एक बार 45 रन का था, बाकी का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। कैलेब ज्वेल जो है 17 18 और 9 कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। मैकडॉर्मेट तीन बार फ्लॉप हुए हैं, देखिए तीन बार फ्लॉप हुए हैं तो एक बार 93 रन का स्कोर है बस, लेकिन फ्लॉप होने के चांसेस तीन बार है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इस बेन मैकडॉर्मेट पर मुझे थोड़ा सा डाउट सा हो रहा है। टीम डेविड एक बार 44 रन बनाए, इसके बाद एम राइट एक बार खेले अभी तो 56 रन बनाए थे। होबार्ट हरिकन्स के बॉलर्स की अगर बात करें हेड टू हेड में तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आर मेरेडिथ देखिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, मैंने बोला कंटिन्यू विकेट लेके जाते हैं। इसके बाद नाथन एलिस कंटिन्यू विकेट लेके जाते हैं, तो ये दो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मैच के लिए। आइए अब बात करते हैं टॉप बैट्समैन हेड टू हेड में कौन से हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस देके जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा अभी थोड़ा सा रिकॉर्ड्स बिल्कुल गड़बड़ वाला है हेड टू हेड में। कॉलिन मुनरो का 3 मैच में 3 इनिंग में 14 रन है, 9 हाईएस्ट स्कोर है और 4.5 रन का एवरेज है, तो थोड़ा सा एक दो टीम के अंदर रोटेट कीजिएगा, फिक्स मत कीजिएगा, क्या पता हेड टू हेड के वजह से ये अच्छा ना खेले, लेकिन फिर भी 3 मैच से फ्लॉप चले जा रहे हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये खिलाड़ी कभी भी तगड़ा खेल सकता है। इसलिए हेड टू हेड के परफॉर्मेंस भले ही कम है लेकिन फिर भी 50-50 चांस है, अगर आर या पार वाला स्थिति है खेला तो बढ़िया, नहीं तो शायद जल्दी भी आउट होकर चले जाए। मैट रेंसा का 10 मैच में 10 इनिंग के अंदर 206 रन है, 63 रन हाईएस्ट स्कोर है, 20 रन का एवरेज है। सैम बिलिंग्स की बात करें 4 मैच में 4 इनिंग के अंदर 154 रन, 61 रन इनका हाईएस्ट स्कोर है, 38 का एवरेज है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, मैंने आपको पहले ही बोला सैम बिलिंग्स को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा बेन मैकडॉर्मेट के जगह पे। मैथ्यू वेट का 17 रन का एवरेज है, कुछ खास नहीं है, खेलेंगे तो देख लिया जाएगा। एम राइट का 2 मैच खेले 1 मैच में 56 1 मैच में 0 और 28 का एवरेज है। उस्मान ख्वाजा 10 मैच खेले हैं 10 इनिंग के अंदर 275 रन, 54 रन इनका हाईएस्ट स्कोर है, 27 का एवरेज है। मैक्स ब्रांड 7 मैच में 7 इनिंग के अंदर 202 रन, 65 रन हाईएस्ट स्कोर है, 28 का एवरेज है। कैलेब ज्वेल की बात करें तो 7 मैच के 6 इनिंग के अंदर 137 रन, 61 इनका हाईएस्ट स्कोर है और 19 का एवरेज है। बेन मैकडॉर्मेट की बात करें 12 मैच के 11 इनिंग में 216 रन, 93 इनका हाईएस्ट स्कोर है और 18 रन का इनका एवरेज है। तो यहां से ये हेड टू हेड का बेस्ट जो प्लेयर मुझे दिखाई दिए उनका परफॉर्मेंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसके बाद बात करते हैं टॉप बॉलर्स हेड टू हेड, यहां से क्रिस जॉर्डन 5 मैच में 7 विकेट, एम नेसर 13 मैच में 16 विकेट, नाथन एलिस 7 मैच में 8 विकेट, आर मेरेडिथ 8 मैच में 13 विकेट, एक्स बार्टलेट 3 मैच में 6 विकेट, स्पेंसर जॉनसन 2 मैच में 3 विकेट और हेडग्लू का 5 मैच में 6 विकेट है। ये रिकॉर्ड यहां पर अभी तक जो टॉप के परफॉर्मर थे वो यहां पर मुझे अभी तक दिखाई दे रहा है, बाकी जो भी होगा डिटेल्स मैं कल लाइव आऊंगा, मैच शुरू होने से पहले लाइव आऊंगा और कुछ एक ट्रंप प्लेयर मैं आप लोगों को उस टाइम बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसको मुझे निकालने हैं, तो उन सारे रिकॉर्ड्स को निकाल के मैं आप लोगों को टॉप के जितने प्लेयर्स होंगे उनका लिस्ट मैं आपको कल जारी करूंगा। आइए टीम पर फोकस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रंप प्लेयर के बारे में। देखिए ट्रंप प्लेयर में इन तीनों में से कोई दो प्लेयर या कोई एक प्लेयर ट्रंप प्लेयर निकल सकता है, ज्यादातर चांसेस मुझे मैट रेंसा पे लग रहा है कि मैट रेंसा निकल सकते हैं। इसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन से एम नेसर पर ध्यान रखिएगा, एम नेसर क्योंकि विकेट 2 बार खेले, दोनों बार 3 विकेट और 4 विकेट लेके गए हैं होबार्ट हरिकन्स के अगेंस्ट, तो इन पर नजर रखिएगा और पिछले 2-3 मैच से ये फ्लॉप भी चले जा रहे हैं, तो इस मैच में ये मुझे लगता है कि अच्छा खासा पॉइंट देके जाएंगे। इसके बाद यहां से दो प्लेयर पे नजर रखिएगा, आर मेरेडिथ और स्पेंसर जॉनसन, इन दोनों पर नजर रखिएगा, तीसरे प्लेयर को रोटेट कीजिएगा पैट्रिक डूले को, बाकी नाथन मैक्सवीनी को रोटेट कीजिएगा टीम डेविड और सैम हैन के साथ याद रखिएगा। तो ये जो कुछ प्लेयर हैं जो मुझे अभी तक दिमाग में आया ये आपको ट्रंप प्लेयर साबित हो सकते हैं, इसमें से कोई 3 प्लेयर आपको ट्रंप प्लेयर निकल सकते हैं, उन पर नजर रखिएगा। बाकी एक मैंने ये टीम तैयार कर रखा है पहले से, जहां पर सैम बिलिंग्स को मैंने रखा है, कॉलिन मुनरो, मैट रेंसा, कैलेब ज्वेल, एम राइट, एम नेसर, पी वॉल्टर, निखिल चौधरी, एक्स बार्टलेट, आर मेरेडिथ एंड स्पेंसर जॉनसन, इन लोगों को मैं फिलहाल अपने टीम में रखा हूं। इनमें से किसी
प्लेयर को हो सकता है रोटेट किया जाए। फिलहाल 7 से 8 प्लेयर तो यहाँ से कंफर्म है कि DT1 के निकलेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने डिटेल्स निकाल के एक टीम बनाया जिसके अंदर नेसर को मैंने कैप्टन और कॉलिन मुनरो को वाइस कैप्टन। बाकी जो भी डिटेल्स निकालूंगा रात को जब मैं कल सुबह आप लोगों के साथ आऊंगा जुड़ूंगा, तो बाकी के जितने भी डिटेल्स है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, फिर कल एक बेहतरीन टीम हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए लोग हैं, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, बहुत फायदा होने वाला है टेलीग्राम से। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।